बहुत ज्यादा मजा आएगा जी। लगता है पटाखे फूटेंगे, दिवाली पहले ही आ जाएगी। पाठक जी आपके पास आता हूं, आप हमेशा गांधी जी की बात करते हैं, सावरकर की भी बात करते हैं। 3 दिन पहले की बात है कि बहुत जबरदस्त ट्रोल किया गया जावेद अख्तर को गद्दार का बेटा कह के, तो उनका एक ट्वीट आया था कि मैं और जो बाइडेन दोनों ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उनका इस किस्म का एक ट्वीट था, काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट था। वो लिखा क्या था उन्होंने कि आई एम ए प्राउड इंडियन सिटीजन टिल माय लास्ट ब्रेथ एंड आई विल रिमेन सो, बट आई हैव वन कॉमन फैक्ट विद जो बाइडेन, बोथ ऑफ अस हैव एग्जैक्टली इक्वल चांस ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसका संदर्भ कुछ और था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका जैसे देश में भी एक मुसलमान मेरे जैसा वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन शायद ये इंप्लाइड मीनिंग ये था कि भारत में नहीं बन सकता। अब आज की परिस्थिति वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने उसे गद्दार का बेटा कह के ट्रोल किया और जबरदस्त ट्रोल किया। तो फिर उनका एक जवाब आता है, वो जवाब जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हालांकि मैंने तो एपिसोड्स भी बनाए इसके ऊपर। वो कहते हैं, मैं एक गौरवान्वित भारतीय नागरिक हूं और आखिरी सांस तक ऐसा ही रहूंगा। ये सही बात है। आगे लिखते हैं वो, ये तय करना मुश्किल है कि आप पूरी तरह से अज्ञानी हैं या पूरी तरह से बेवकूफ हैं। ये ट्रोलर्स को कह रहे हैं जावेद अख्तर कि आप पूरी तरह से अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं या पूरी तरह से बेवकूफ हैं। कहता है 1857 से मेरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा है, जेल और काला पानी गया है, जब संभवतः आपके बाप दादा अंग्रेज सरकार के तलवे चाट रहे थे। जावेद अख्तर जानिसार अख्तर और साफिया सराजुल हक के पुत्र हैं, और जानिसार अख्तर विभाजन पूर्व ब्रिटिश भारत के अंदर प्रगतिशील लेखक आंदोलन का सक्रिय हिस्सा थे। उन्होंने ये कहा कि मेरे परदादा फजले हक खैराबादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ 1857 के गदर में भाग लिया था। उसके बाद उनको आजीवन कारावास मिला। उन्हें अंडमान द्वीप पर काला पानी की जेल में भेजा गया, जहां 1864 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खैराबादी साहब जो परदादा थे, माफी वीर नहीं थे सर, माफी वीर कोई और था। और दरअसल उन्होंने अंग्रेजों को कोई माफीनामा नहीं लिखा था। कम से कम इस मामले में हम कह सकते हैं कि जो सैकड़ों लोग उस जेल के अंदर थे, मैंने वो जेल देखी हुई है, सैकड़ों लोग थे, चर्चा एक का ही होता है। जैसे उस जेल में एक ही आदमी को सजा मिली थी, बाकी किसी को सजा मिली ही नहीं आज तक, और वो माफीनामा दे के कई बार बाहर आ गया। लेकिन जावेद अख्तर ने ये कहा कि जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तो मेरे परदादा, उनकी वहां पर मृत्यु हुई थी, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, वो माफी वीर नहीं थे। राकेश पाठक जी, ये महत्वपूर्ण था, मैंने आपके सामने लाया। नहीं, बहुत अच्छा, और देखिए मेरे लिए तो अवसर मिल जाते हैं ऐसी बातों से। जानिसार अख्तर साहब हमारे ग्वालियर में पढ़े थे, उसी कॉलेज में पढ़े थे जिसमें मैं बाद में पढ़ा। उनके जमाने में विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी कॉलेज में पढ़े थे, निदा फाजली साहब उसी कॉलेज में पढ़े, और जानिसार अख्तर भी। बाद में उसका नाम MLV कॉलेज हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। संयोग यह भी है कि आजकल मैं भोपाल में हूँ, मेरा सदर मुकाम भोपाल है। जावेद अख्तर साहब ने अपने संघर्ष के दिन भोपाल से शुरू किए थे, भोपाल में रहे, यहाँ हॉस्टल में रहते थे या कहीं कमरा लेकर रहते थे। उनकी एक नज्म के कुछ शब्द मुझे याद आते हैं, पूरी तरह तो याद नहीं आ रहा। पानी छलनी में ले चले हैं हम, छाछ फूके के अपने बचपन में, दूध से किस तरह जले हैं हम, तू तो मत कह बुरा हमें दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। खुद है अपने सफर की दुश्वारी, अपने पांवों के आंवले हैं हम। एक लंबी नज्म है जावेद अख्तर साहब की, अचानक मुझे याद आ गई। अब बुढ़ापा है तो इतनी चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन कभी कभी शेरो शायरी याद आ जाती है। सर ऐसा मत कहिए, मैं आपको क्या कहूंगा फिर मैं। आप तो जवान है सर, आपसे तो दिल्ली में मिलकर हमें याद है ना मीनू जी, कितने जवान जहान आदमी है दिनेश सर। हम लोग इनके सामने, इनकी ऊर्जा के सामने मौन साबित हो रहे थे यार। जी, तो खैर बात करते हैं, जिस तरह के ट्रोल्स को जवाब दिया है जावेद अख्तर साहब ने, वो माकूल जवाब है। ऐसे ही जवाबों की जरूरत है। ये लोग कौन है जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? जावेद अख्तर साहब ने बिल्कुल सही सवाल किया है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर
कोई मुसलमान कभी पहुंच पाएगा उसके लिए कितने लंबे प्रकाश वर्ष अभी हमें तय करना है, कितना लंबा सफर तय करना है। तो उस तरफ इशारा भी कर रहे थे कि अमेरिका एक ऐसा खुला समाज है जहाँ कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जाकर बन सकता है, ऋषि सुनक अभी बने भारतीय मूल के, वहां तो किसी ने मुंह मोड़ने की बात नहीं कही, सर वहां एक किसी ने नहीं मुस्लिम कहा कि मुस्लिम ओबामा बन चुके हैं वहां पे राष्ट्रपति सर ओबामा बन आदरणीय। चुके हैं मुस्लिम, बाकायदा बराक ओबामा बन चुके हैं वहां पर। अभी आपने एंजेला मर्केल का जिक्र किया ही है कि वे पोलैंड की थी और वहां ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति बनी। कुल मिलाकर हमारे समाज को वहां तक पहुंचने में अभी लंबा समय लगेगा। अभी तो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की आहट सुनकर उमा भारती कहती है मैं जीवन भर चने खाऊंगी धरती पर सोऊंगी, सुषमा स्वराज कहती है कि मैं बाल मुड़वा लूंगी गंजी हो जाऊंगी। तो ऐसे समाज में जावेद जावेद अख्तर जैसे नहीं लोगों का ये संदेश। जी राजेश भाई कुछ कह रहे हैं आप? कह रही हो सर, कोई अच्छा दूसरी आवाज है, सब सब अदर अच्छा वॉइसेस। जी। तो कुल मिलाकर ये जो इस तरह के जवाब हैं ये दिए जाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात उस दिन कर रहे थे सदन में, हम और आप जिस आइडिया ऑफ इंडिया के हामी हैं, हिमायती हैं, वो यही है कि हम सब लोग सर्वधर्म संभाव को मानने और जानने वाले हैं। जो नेहरू का विचार था आइडिया ऑफ इंडिया का, उसी की आज जरूरत है। जावेद अख्तर यही तो बता रहे हैं कि आप लोग कौन हो हमसे, हमें देशभक्त या गद्दार बताने वाले। और जावेद अख्तर कहीं गलत नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी गुजरात में कहा, राजेश भाई आप आपके गुजरात में हम सब लोगों ने सुनाई है कि ये तो अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे कि हमें माफ करो हम आपसे नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी और हम सबको भी यही बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पुरखे अंग्रेजों के साथ खड़े थे स्वतंत्रता संग्राम में, और उसके बाद आजादी के बाद भी संविधान को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऑब्जर्वर में अग्रलेख लिखा जा रहा था कि हम हिंदू इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हमको तो मनुस्मृति चाहिए। तिरंगों को तीन रंगों के कारण अपशगुन बताया जा रहा था। वे हम और आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, वे जावेद अख्तर को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटेंगे, मुश्तर खैराबादी उनके पुरखे आजादी की लड़ाई में शामिल रहे लोग। तो ऐसे लोगों को इसी तरह के करारे जवाब की जरूरत है, और हम आप तो दे ही रहे हैं। जावेद अख्तर जैसे लोग भी आगे आए, ये भी बहुत जरूरी बात है। जी बिल्कुल दिनेश। आपने सही कहा, जो उनके शब्द हैं इनको बहुत मुझे लगता है कि